नेक्स्ट टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. द टाइप ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिसाइड द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन रीजन. जिस तरीके की मिट्टी होगी हमारे एरिया में, जिस तरीके का पानी की उपलब्धता होगी, जिस तरीके का हमारा क्लाइमेट वेदर होगा, उस तरीके से डिसाइड होगा कि हमारे जगह पे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ किस तरीके के क्रॉप्स ग्रो होंगे. पैडी एंड वीट ग्रो वेल इन क्लोई सॉइल. जैसे कि आप जानते हैं पैडी यानी राइस, वीट ये किसमें क्लेई सॉइल में अच्छे से होते हैं. पैडी रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर व्हाइल वीट एंड बाजरा रिक्वायर्स लेस वाटर. आप जानते हैं कि पैडी जो धान की खेती होती है उसको बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है, और वीट और बाजरा को कम पानी चाहिए. सम क्रॉप्स ग्रो इन समर व्हाइल अदर्स ग्रो इन विंटर. कुछ क्रॉप्स को समर में ग्रो करते हैं, कुछ को विंटर में ग्रो करते हैं, और कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है. और हमारे जो क्रॉप्स हैं वो हमारे क्रॉप्स के ग्रो करने का सिस्टम ये किस पे, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें वाटर वहीं से मिलता है. ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑफ माई फील्ड ईयर आफ्टर द ईयर कैन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. अगर हम एक ही तरीके का कोई भी क्रॉप है, एक ही तरीके का क्रॉप है, उसको एक ही फील्ड में सालों साल ग्रो करेंगे तो हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसकी उपजाऊ क्षमता है, वो कम होती जाएगी. Certain farming practices like adding manure to the soil and growing beans between cereal crops help in maintaining the soil fertility. और कुछ ऐसी farming practices हैं जैसे कि soil को manure देना, खाद देना, और beans को cereal crops के बीच उगाना, ऐसे क्या nutrients provide करता है, soil की fertility को बरकरार रखते हैं, ठीक है. अब देखिए इरिगेशन क्या होता है. इन अवर कंट्री मोस्ट प्लेसेस रिसीव रेनफॉल फॉर 3-4 मंथ्स इन ईयर. हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ सिर्फ 3 से 4 महीने बरसात होती है, इसलिए हमें प्रॉपर पूरे साल भर तो पानी मिल पाता नहीं है ताकि हम अपने प्लांट्स ग्रो कर सकें. तो इसके लिए रिवर वाटर को डैम्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है, रिजर्वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्टोर किया जाता है. उसके बाद इनको कैनल्स यानी नहर के जरिए, इन्हें जब रेनी सीजन नहीं होता है तो नहर के जरिए इन्हें फील्ड्स तक भेजा जाता है, ठीक है. और प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड्स थ्रू मैन मेड मेथड्स इज कॉल्ड इरीगेशन. इंसानी तरीके से बनाए हुए रिवर्स, कैनल्स और रेन वाटर को डैम में स्टोर करने के बाद फिर उसे रेनी सीजन ना होने पर डैम्स या रिजर्वायर्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू उसे फील्ड्स तक पहुँचाना, इस सिस्टम को बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है. ड्रिप इरिगेशन इज अ मेथड ऑफ इरिगेशन दैट प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू पाइप्स. कुछ इरिगेशन ऐसा होता है जिसमें लंबी पाइप लगा दिया जाती है खेत में, और जिससे थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है फील्ड्स में, ताकि पानी वेस्ट भी मत हो और प्लांट्स को प्रॉपर पानी भी मिल जाए. ड्रिप इरिगेशन सेव्स वाटर, और ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत होती है, ठीक है. तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो. लेट सी द वर्ड स्प्लैश. ह्यूमस, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सॉइल दैट मेक इट फर्टाइल. हमने पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनके ख़त्म होने के बाद, उन्हें कहते हैं ह्यूमस. एग्रीकल्चर यानी ग्रोइंग क्रॉप्स यानी पौधे, वेजिटेबल उगाना, खेती करना. इरीगेशन प्रोवाइडिंग वाटर टू फील्ड्स थ्रू मैन मेड मेथड्स. इंसानी तरीके से फील्ड्स को यानी खेतों को पानी पहुँचाने के प्रोसेस या मेथड को कहते हैं इरीगेशन, ठीक है. ओके, थैंक यू.